हेलो एवरीवन, आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। सो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है और ये काफ़ी सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में इसको ट्विस्ट कर करके या इसी को पूछते रहते हैं। सो इसे समझना थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे हमें कुछ एन नंबर ऑफ बुक्स दे रखी हैं जो जिनके नंबर ऑफ पेजेस हमें एज एरे के एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और हमें उन पेजेस को, उन बुक्स के पेजेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रखें। तो जैसे हमारे पास एरे है लाइक 10, 20, 10 एंड 30, तो यहाँ पे मेरी पहली बुक में 10 पेजेस हैं, दूसरी बुक में 20, तीसरी में 10 और चौथी में 30 पेजेस। तो टोटल मेरी बुक्स हैं 4 और नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे सारे दे रखे हैं। नाउ मेरे पास जिन बच्चों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सपोज दो बच्चों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कंडीशन क्या है? हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ये बुक ली और इसमें 10 पेजेस थे और हमने उसे उठा के फाड़ दिया, 5 पेजेस इस बच्चे को, 5 पेजेस दूसरे बच्चे को। ऐसा नहीं कर सकते हम, ये गलत है, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने सारी बुक्स एक ही बच्चे को दे दी और ये सारी की सारी बुक्स एक ही बच्चे को दे दी, तो उस बच्चे के पास टोटल हो गए 70 पेजेस एक ही बच्चे के पास और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। तो हमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारी एलोकेशन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस की होनी चाहिए, ताकि उसे मिनिमम हम पेजेस को मिनिमाइज कर सकें स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय स्टूडेंट इज मिनिमाइज्ड। जैसे कि अगर मैं अपने बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ कि मैंने ये दोनों बुक्स दे दी किड वन को और ये दूसरे को, तो पहले के पास आए 30 पेजेस, दूसरे के पास आए 30 + 10 = 40 पेजेस। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि मैंने 10 वाली पेजेस वाली पहली बुक दे दी एक बच्चे को, तो उसके पास सिर्फ 10 पेज हैं और दूसरे वाले के पास है टोटल 60। या फिर मैं ये बीच में से दे सकती, ये नहीं, हाँ, तो इसमें एक दूसरी और कंडीशन है कि मैं सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बुक्स दे सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने एक बच्चे को 10 10 फर्स्ट एंड थर्ड बुक दे दी और दूसरे बच्चे को सेकेंड एंड फोर्थ बुक दे दी। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ आ गया है कि क्या करना है, पर इसे करना कैसे है। अब अगर हम इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोचें, नाइव अप्रोच से, तो पहली बात तो उसका हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत ही मुश्किल है। बेटर सोल्यूशन इज बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को समझना ही मुश्किल है और उसको जब हम करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बाइनरी सर्च से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। तो वो कैसे करेंगे? तो हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक ये है कि हमें इतना पता है कि अगर वर्स्ट केस सोचते हैं कि हमने एक ही बच्चे को सारी बुक दे दी, जैसा हम करेंगे नहीं, पर वर्स्ट सोचते हैं कि हमने एक ही बच्चे को ये सारी बुक दे दी, तो उसके पास टोटल पेजेस कितने हुए? 70। एक बच्चे को, किड वन को हमने सारी बुक दे दी तो उसके पास टोटल 70 हुए और टू के पास कुछ भी नहीं। तो हमारी रेंज कितनी होगी कि टोटल हमारा जो सम है वो 70 आ सकता है। दूसरा, हमारा मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम ऐसा सम पेजेस का, हमें यहाँ पे उस सम को ही मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम नंबर जो है पेजेस रेड बाय स्टूडेंट उसको मिनिमाइज करना है, तो वो कितना आ सकता है? वो आ सकता है हमारे एरे की मैक्सिमम वैल्यू 30। ये कैसे? क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो हम एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट है किसी को बिल्कुल ही कम, किसी को बिल्कुल ही ज़्यादा। तो मिनिमम रेंज में हमारा 30 to 70 के बीच में हमारे नंबर ऑफ पेजेस आ सकते हैं जो कि हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अब हमें नहीं पता हम कितने फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे, अभी हम इस रेंज को लेके चल रहे हैं। तो पहले मैंने ये रेंज निकाल रखी है, जो बाइनरी सर्च के लिए लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर चाहिए होता है, मैंने निकाल रखा है। लो पॉइंटर जो है L, वो है मेरा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे, और ये जो हाई पॉइंटर है मेरा, ये है सम ऑफ एरे।
टोटल जितना सम है मेरे एरे का, ये वो है। ठीक है, अब मैं इसमें बाइनरी सर्च लगाती हूँ इस रेंज के बीच में। तो हमें क्या बोलते हैं, हम पूरे एरे में कोई बाइनरी सर्च नहीं लगा रहे, हम जो ये अपनी दो पॉसिबल रेंजेस हमने निकाली है उसके बीच में, लाइक 31, 32, 33, 34, 35 अप टू 70, इसके बीच में हम एक पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने एल लेस देन इक्वल टू एच रख दिया और बाइनरी सर्च में हम एक मिड निकाल लेते हैं जो कि लो प्लस हाई बाय टू होता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा आंसर है वो फिजिबल है। वो कैसे चेक होगा, ऐसे कैसे चेक होगा कि मेरा आंसर फिजिबल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए मैं सारे केसेस को एक बार देख लेती हूँ कि मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मेरा लो था 30 और मेरा हाई था 70 और मिड आ गया मेरा 50। तो 50 फिजिबल है कि नहीं मुझे कैसे पता, ये चेक करने के लिए मैं अपने एरे में जाऊंगी। एरे क्या था हमारा, 10 20 10 30। सो 10 20 10 30 ये मेरा एरे था। तो मैं 50 के हिसाब से देखूंगी कि मैं एक बुक किड वन को दे सकती हूँ, हाँ ये 50 से कम है, ये दे सकती हूँ 30 हो गया टोटल, ये दे सकती हूँ 40 हो गया। तो ये टोटल 40 पेजेस जो हैं वो 50 पेजेस से कम है, तो मैं इतना फर्स्ट किड को दे सकती हूँ। और ये जो 30 पेजेस बचे हैं, अगर मैं यही फर्स्ट किड को दे दूंगी तो ये 50 को एक्सीड कर जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ये दूसरे किड को दूंगी। ठीक है, तो ये फिजिबल सोल्यूशन है क्योंकि मैं इससे दो ही किड में, जैसे हमारे पास दो किड थे तो दो ही में बुक्स को डिवाइड भी कर रही हूँ, और जो मैंने अपनी रेंज बनाई है उसमें जो मेरा मिड है उसके हिसाब से ये डिवाइड हो भी रहा है, क्योंकि ये इसका सम 40 आ रहा है जो कि 50 से कम है। तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, जहाँ डिवीजन पॉसिबल है तो उससे आगे वाले 51, 52 भी हमारे फिजिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, फिजिबल सोल्यूशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन उससे कम वाले, अगर मैं अपने हाई को रिड्यूस कर दूं मिड माइनस वन, तो वो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अब मेरा ये 50 आ गया, ये पॉसिबल सोल्यूशन है, तो मैं इसको एक रिजल्ट में स्टोर करा दूंगी। ठीक है, तो इस पॉसिबल में मैं क्या करूंगी, अभी मैंने इस फिजिबल का कोड नहीं लिखा है, तो उसमें क्या होगा कि हम ऐसा करेंगे कि अगर फिजिबल है मेरा आंसर, तो यहाँ पे कौन सी, एक तो मिड वैल्यू होगी मेरी, एक होगा मेरा एरे पास करना पड़ेगा मुझे, और मुझे एक एन पास करना पड़ेगा और एक एम पास करना पड़ेगा, एम पास करना पड़ेगा, एन तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर ये मेरा सही आ जाता है, अभी मैंने जिसका सोल्यूशन नहीं लिखा, अगर वो सही आ जाता है तो मैं एक रिजल्ट वेरिएबल में मिड को डाल दूंगी, क्योंकि मुझे अपना मेन आंसर तो यही चाहिए कि मैं कितने पेजेस एलोकेट करूं, मैक्सिमम कितने मेरे पेजेस एलोकेट होंगे एक बच्चे को। अगर सिंपली समझने की कोशिश करें कि मेरे पास है 3 पेजेस, एक एक हर एक बुक में एक एक पेज है, तो मेरे पास 3 बच्चे और मैंने तीनों को एक एक बुक दे दी और सबके पास एक एक पेजेस है, सब बच्चों के पास एक एक पेजेस हैं, तो मेरे पास मैक्सिमम पेजेस डिस्ट्रीब्यूशन है 1। वहीं अगर मेरे पास एक बुक में 2 पेज होते, एक बुक में 1 पेज और एक बुक में 1 पेज, और मेरे पास 3 बच्चे होते, तो मुझे ना चाहके भी एक बच्चे को एक पेज ज़्यादा देना पड़ता, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन फिर भी पेजेस नंबर के हिसाब से मुझे किसी एक बच्चे को 2 पेज देने पड़ जाते और बाकियों को एक एक। ठीक है, तो मुझे ये आंसर चाहिए, दिस इज द आंसर की मेरे को चाहिए, तो मिनिमम कि मैं कितना दे सकती हूँ, पर वो एक्चुअल में मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि मैं उसको ये सारे नहीं दे रही, लाइक मैं टोटल 2 3 4 उसे 4 नहीं दे रही हूँ, मैं उससे वो वाला वैल्यू दे रही हूँ जो कि मेरे लिए फेयर होगी। सो इट्स द फेयर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। ओके नाउ, तो मैंने ये मिड में स्टोर कर ली अपनी वैल्यू जो सही आ रही है, फिर मैंने अपने हाई को प्लस कर दिया, मैं हाई में से मिड को माइनस कर दिया कि मैं इसके लिए भी चेक कर सकती हूँ, और
अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा फिजिबल सोल्यूशन नहीं आ रहा कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ तब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, किसी किड को मिल रहा है या फिर ज़्यादा किड हो रहे हैं, किड्स के रेंज से बाहर चल जाए, तो अपने लोग पॉइंटर को प्लस करके अपने राइट हाफ में चेक करूँगी कहीं वहाँ तो मेरी सही वैल्यू नहीं है, और मैं फिर रिटर्न कर दूँगी रिज़ल्ट। सो अब मेन समझते हैं कि हम इस फंक्शन को कैसे चलाएंगे, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर फिजिबल हो। इसके लिए हम वही जहाँ पर हम पहले थे कि हमने एक निकाल लिया था 50 आंसर, एक्स इक्वल टू हमने रेंज जो 30 और 70 रखी थी उससे हमने निकाल लिया था 50, जो कि मैंने रिजल्ट में स्टोर करके रख लिया है क्योंकि वो सही है, उससे मेरी फेयर वैल्यू आएगी। और फिर मैं अब अपनी लेफ्ट रेंज में चेक करूँगी, 30 से लेकर मैं चेक करूँगी 49 तक। अभी 30 से लेके 70 पे चेक किया, 50 सही निकला। अब मैं इस रेंज में चेक करूँगी, यहाँ पे भी सही वैल्यू हो सकती है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल की मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो मुझे 50 से भी कम चाहिए, तो मैं जब इसका मिड निकालूँगी तो वो आ जाएगा 39। अब 39 पे मैं फिर से चेक करूँगी 10, 20, 30, 10, तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, दोनों बुक्स हाँ कर सकती हूँ। अगर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ पहले ही किड में, तो ये 39 को एक्सीड कर जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 50, तो मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सिर्फ ये दोनों बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो फिर ये 40 हो जाएगा, ये 39 को एक्सीड कर जाएगा, तो मैं सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और ये मैं तीसरे बच्चे को दे दूँगी। तो इससे मेरा जो आंसर है वो तीन बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन में दो बच्चे थे और यहाँ पे मैं तीन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ जब मेरी वैल्यू 39 है। इसका मतलब ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, तो मैं अपने रिजल्ट को अपडेट नहीं करूँगी, मेरा रिजल्ट 50 ही रहेगा कि अभी मेरा सही सोल्यूशन 50 ही आ रहा है। बाकी अब आगे के लिए चेक करते हैं। आगे के लिए चेक करेंगे तो मैं अब अपना, ये तो सही आया नहीं, तो अब मैं अपने लो को, अब अपने लो को क्या करूँगी, मिड प्लस वन। मिड कितना था 39, अब लो हो जाएगा 40 और रेंज हो जाएगी मेरी 49 तक। जब मैं इसके लिए मिड निकालूंगी तब इसका मिड आ जाएगा मेरा 40 प्लस 49 बाय 2 विच इज 44। जब 42 के लिए चेक करूंगी 10 20 10 30 को, इस बार आ जाएगा, इस बार जब मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 20, 30, 40, तो ये रेंज में आ रहा है। और ये, और अभी भी दो ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो 44 भी एक सही वैल्यू है। यहाँ पे जो पेज है मेरे रिड्यूस हो गए हैं, 52, 44 कम हो गए हैं, तो मैं रिजल्ट को अपडेट कर दूंगी। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है 41 सही आंसर है, पर मुझे और भी कम पेजेस के लिए चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ऐसा करूँगी कि मैं अपने हाई को फिर से मिड माइनस वन करूँगी। ठीक है, तो मेरा मिड आया था 44, तो मेरा एक्स अब होगा 40 से लेकर किसकी रेंज में, 43 की रेंज में। ठीक है, तो इसका जब मैं मिड निकालूंगी वो 41 आएगा, वो भी यहाँ पे हो जाएगा इसी सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, और मैं फिर रिजल्ट को अपडेट कर दूँगी 41 की। ओके, मुझे और मिनिमम वैल्यू मिल गई, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर हो रही है। फिर मेरा एक्स जो है 40 प्लस 40 बाय 2 होगा, क्यों, क्योंकि मैं अब हाई को एक और रिड्यूस कर दूंगी। हाई मेरा होगा 41 माइनस 1, मिड माइनस 1, दिस वाज द मिड माइनस 1 विच इज रिजल्ट 40। और जब इसके बात करने की कोशिश करेंगे ना तब हमारा जो है वो इस रेंज से आगे चले जाएगा बाइनरी सर्च से। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बेसिकली सोल्यूशन इतना है, तो इसको कोड में आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि इसको कोड कैसे करेंगे।